हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आज जिस हम पौधे पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये पौधा जो है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन प्रायः ये भारत में हर जगह पाया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पौधा है ये द्रोण पुष्पी का पौधा है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे द्रोण पुष्पी, गुमा, दड़गल, तुम्बारी आदि नामों से ये जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें देखिए आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये इसके जो फूल आ रहे हैं, इस वाइट रंग के, सफ़ेद रंग के फूल हैं और ये गुच्छे में निकलते हैं। और इसके जो ये फल हैं, ये एक एक दो दो सा, जैसे ये आप गुच्छा देख रहे हैं, ये दो के साथ में भी होता है, तीन के साथ में भी होता है, आप देख पाएंगे इसको। और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वह भाले नुमा होती हैं, तीर्काकार की होती हैं, अंडाकार की होती हैं और तकरीबन 2 से 3 इंच करीब ये दोस्तों लंबी होती हैं। ये कटहरी का पौधा लग रहा है दोस्तों, जब वीडियो बना रहे थे तो बराबर में कंटकारी से बोलते हैं उसका पौधा लगा हुआ है। तो आप इसके पौधे की आप पहचान कर सकते हैं। इस पौधे के दोस्तों गुण बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम इसका सही तरह से प्रयोग करते हैं तो हमारी कई बीमारियों में ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, ये द्रोण पुष्पी का जो पौधा होता है ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर हम इसको ताज़ा ही अगर इसका प्रयोग करें, इसका रस निकाल के इसके, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और अगर हम इसको सुखा के रखें तो सुखाने के बाद में इसके पंचांग का हम 6 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने बाद औषधीय गुण इसके कम हो जाते हैं। तो आप देखिए, ये तो दूसरा द्रोण पुष्पी है, इसमें दो दो के साथ में गुच्छों में वो लगे हुए हैं, आप देखेंगे आप इसमें, ये देखिए इसमें दोस्तों, ये एक एक साथ में दो दो लगे हुए हैं, पहले एक नीचे है फिर एक ऊपर है, और इसमें वाइट रंग के, सफ़ेद रंग के पुष्प हैं। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पौधा मिलता है तो आप इसको अपने रोग के अनुसार इसको रख सकते हैं। ये देखिए इसमें दो लगे पड़े हैं, पहले एक नीचे एक ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो अगर हम इसके औषधीय गुणों की तरफ चलें तो इसके द्रोण पुष्पी के जो फूल होते हैं, इसमें तेल पाया जाता है, वो उड़नशील तेल होता है। और जो इसके अंदर गुच्छों में जो बीज निकलते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, तो उन बीजों का जो तेल वो होता है, वो स्थिर होता है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने औषधीय गुणों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसका जो रस होता है कटु होता है, गुण जो होता है इसका गुरु रुक्ष तीक्ष्ण होता है, और जो वीर्य होता है ये उष्ण प्रकृति का वीर्य होता है, उष्ण है ये यानी गर्म है। विपाक इसका कटु है, दोष कर्म जिस चीज़ का निवारण करता है, वात और वात का नाश करता है, कफ का नाशक करता है ये, पित्त शोधन है ये। और प्रतिनिधि यानी कि इसके बदले में आप लेना चाहें तो भृंगराज का आप इसका सेवन कर सकते हैं, सेम इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम इसके फ़ायदों की तरफ चलें, अगर हम इसके पंचांग का, जड़ का या इसके स्वरस का हम प्रयोग करते हैं रस निकाल कर, तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों में हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। अगर हम रोगों की बात करें तो ये कई प्रकार के रोग में हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जैसे कि खुजली। अगर किसी को खुजली हो जाती है, दाद हो जाती है, चर्म रोग है, तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज सिर्फ हम इसके रोगों के बारे में बात करेंगे, बाकी इसके औषधीय गुण की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी फिर। तो एक ये खुजली, दाँत खाज, खुजली, चर्म रोग में बहुत ही लाभदायक है। घाव, जैसे कि घाव हो जाते हैं और वो भंडे में नहीं आते हैं, तो उसमें भी इसके स्वरस का प्रयोग करा जा सकता है। सर में जुएं हो जाएं तो इसका क्वाथ से या इसके स्वरस को सर में डाला जाए तो फ़ायदा होता है। सर्प विष में फ़ायदा करता है। बुखार हो जाए, एलर्जी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो उसमें भी ये द्रोण पुष्पी का पौधा पंचांग के रूप में या इसके स्वरस के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। विषम ज्वर, मल विष, अफीम का विष, खांसी, श्वास, दमा, सर्दी जुकाम आदि रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है। और वात विकार, किसी प्रकार का वात विकार हो और अन्य औषधियों के साथ में अगर हम वात की औषधि लेकर सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे, ये दर्द में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है।
द्रोण पुष्प जो है दोस्तों, अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, लीवर में किसी भी तरह की अगर लीवर बढ़ जाए, तो अगर उसमें भी हम द्रोण पुष्प का प्रयोग करते हैं तो लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वे ख़त्म होती हैं। जिन पुरुषों को या लड़कों को प्रमेह हो जाती है, स्वप्न दोष होता है, धात की दिक्कत होती है, प्रमेह से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो उसमें भी द्रोण पुष्प बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर शरीर में कहीं सूजन है, सूजन होने पर भी अगर द्रोण पुष्प का प्रयोग करा जाता है अन्य औषधियों के साथ में, तो बहुत अच्छा फायदा करती है। वो अन्य औषधि कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, सुरंजांचरी हो गई, हल्दी हो गई, सौंठ हो गई, वो अन्य औषधि के साथ में कर सकते हैं। जैसे किसी के पेट में अफारा हो रहा है, पेट फूल रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी द्रोण पुष्प का प्रयोग बहुत उत्तम साबित होता है। किसी के सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। सर दर्द हो गया, पेट में कीड़े में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मासिक धर्म, अगर किन्हीं महिलाओं को मासिक धर्म में पीड़ा हो रही है, तो उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। मधुमेह और नेत्र रोग में भी काफ़ी ये फ़ायदा मिलता है दोस्तों इसका प्रयोग करने से। तो दोस्तों, द्रोण पुष्प का जो पौधा होता है, इसका पंचांग, इसका स्वराज, इसका जड़, ये पूरा का पूरा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अन्य औषधियों के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अकेला भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अकेले में इसको स्वरस का प्रयोग कर सकते हैं और पंचांग में इसके काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे रोग के अनुसार और अच्छी इसकी पावर बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है, तो अन्य औषधियों के साथ में समावेश करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। नुकसान दोस्तों ये है कि इसमें ये पित्त को बढ़ाता है, जिनका पित्त प्रगति वाले उनको नुकसान देता है। और द्रोण पुष्प के दोषों को दूर करने के लिए आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं और शहद के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये नुकसान नहीं कर सकता। प्रयोग करने वाली चीज़ें दोस्तों इसकी है कि इसके पत्तों का स्वरस और पूरे पेड़ का पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, जड़ का प्रयोग कर सकते हैं इसके, और पंचांग की इसकी भस्म बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये पौधा मिले तो आप इसको उखाड़ के रखें और अपने बीमारी के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।